नमस्कार दोस्तों, गोइल सोइंग मशीन के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने वाले हैं, जो आपकी घर की आपने फॉल पिको मशीन ली है तो उसमें फॉल पिको मशीन पे आपका पिको का फुट कैसे सेट किया जाता है, उसका आपको चाल कितना रखना है, कितना चौड़ा बनाना है, वो सब हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले आपको ये दो फुट बता देते हैं। हमारे पास पिको के दो टाइप के फुट हैं, एक पतली पिको के लिए और एक जाड़ी पिको के लिए। ये जो है, ये हमारे पास जो फुट है वो पतली पिको होगी, जो आप देख रहे हो। यहाँ पे नीचे छोटी खाद दी गई है, यहाँ से जो कपड़ा जाएगा वो भी कम जाएगा, ये जो आपको दिखा रहे हैं। तो ये पिको का फुट है वो पतली पिको के लिए है, और एक दूसरा फुट है जो आप देख रहे हो। आपको जाड़ी पिको करनी है तो ये फुट आपको लगाना पड़ेगा। पिको के दो टाइप के फुट आते हैं, जो हम आपको वीडियो में बता रहे हैं। इसकी खाँच ज़्यादा है, इसलिए आपकी जो पिको है वो चौड़ी होगी। तो हमने आगे इसमें दोनों फुट का भी डेमो दिया है, इसके बीच में ज़्यादा खाँच है। अगर आपको जाड़ा कपड़ा पिको करना है तो आपको जाड़ा फुट लेना पड़े, जाड़ी पिको आएगी। और आपको अगर साड़ी में वो कुछ करना है, आपको साड़ी में फॉल पिको करना है, तो ऐसा पतला फुट चलता है। तो हमारा वीडियो स्किप मत करिएगा, हम आपको दोनों फुट कैसे लगेगा और कितना टाइम मिला के आपको काम करना है वो सब हम आपको बताने वाले हैं। तो हमारा वीडियो एंड तक देखते रहिएगा। हम आपको अभी इसके अंदर फॉल पिको कैसे सेट करते हैं वो बताने वाले हैं। सबसे पहले तो हमारा जो जिगजैग का फुट है वो आपको निकाल देना पड़ेगा। ये जिगजैग का फुट है वो हम निकाल के आपको पिको का फुट लगा के बताने वाले। ये देखिए, हमारा ये जिगजैग अभी चल रहा है, अभी हम उसको पिको में कैसे सेट करते हैं वो बताने वाले हैं। तो सबसे पहले आप पिको का फुट लगाने के लिए ये जिगजैग का फुट निकाल लीजिए। इस पिको फुट में भी हमारे पास दो टाइप के फुट है। ये जो फुट देख रहे हो, ये आपको पतला वाला जो फुट है, हमारे पास दो टाइप के फुट है। दोनों फुट आपको चला के बताएंगे और दोनों में आपको कितनी पिको मिलेगी वो भी हम बताने वाले हैं। ये आप देख सकते हो, उसके लिए आपको डायल जो है, इसके लिए आपको ये डायल जो है ढाई पे सेट करना होता है। और उसके बाद में यहाँ पे जो नट दिया गया है वो आपको टाइट कर देना है, तो ही आपका पिको सही चलेगा। ये नट जो टाइट करके आपको ये डायल जो है ढाई पे रखना है। अभी हम आपको उसका पिको करके बता रहे हैं। गाड़ी पे पिको करना है तो आपको क्या क्या लगाना है वो हम आपको बता रहे हैं। काफ़ी सब्सक्राइबर ने बोला था कि पिको कैसे सेट करते हैं वो हमको बताइएगा, अभी हम आपको बता रहे हैं। ये जो है, ये पिको कंप्लीट हमारी हो गई हुई है पिको फुट से। ये हमने एक छोटा फुट लगाया है, अभी हम आपको एक स्पेशल बड़ा वाला फुट भी लगा के बताएंगे। उसके अंदर जाड़ी पिको करनी हो आपको, साड़ी पे, दुपट्टे पे जो जाड़ी पिको करनी है, तो उसके लिए भी एक फुट अलग आता है वो हम आपको बता रहे हैं। ये स्पेशल पिको का जाड़ी पिको के लिए फुट है, वो भी हम आपको चला के बताएंगे कि उसका भी पिको कैसे दिखता है। ये हमारा जाड़ा फुट हम फिट कर रहे हैं, उसके लिए आपको डायल जो है वो भी चेंज करना पड़ेगा जाड़ा करने के लिए। अगर आपको पिको जाड़ा करना है तो आपको जो है डायल 4 के ऊपर करना है, और 4 पे करने के बाद में यहाँ पे जो नट है उसको कंप्लीट टाइट कर देना, नहीं तो आपकी चाल छोटी बड़ी हो जाने की संभावना रहेगी। अब हम आपको इसके अंदर पिको करके बताते हैं।
ये हमारी जो है झाड़ी पिक हो रही है, जो हमने डायल चार पे रखा हुआ है। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले, और कमेंट में आप हमें बताएंगे तो उसके ऊपर हम वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। ये जो है हम आपको ये बता रहे हैं, ये हमने छोटा और बड़ा दोनों आपको दिखा रहे हैं कि ये छोटा पिको है और ये बड़ा पिको है। छोटे के लिए आपको डायल 2.5 पे करना है और बड़े के लिए आपको डायल 4 पे करना है। तो ये हमने पिको कैसे सेट करते हैं उसका पूरा सेटिंग बताया। तो हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिएगा, और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो हमारे नए लेटेस्ट वीडियो की आपको जानकारी मिलती रहेगी। हमारा वीडियो एंड तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।